नमस्कार दोस्तों, एसके एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 12B का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट आया हुआ है, कह रहा है कि आकृति में जो है दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है के त्रिज्या खंड दिखाए गए हैं, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो है दिया हुआ है फिगर, ठीक है ना। एक वृत्त है, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं इसमें, ठीक है। एक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और एक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस क्षेत्र का यानी कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए, एक त्रिज्या खंड ए बनेगा, ए ओ बी ए बनेगा बनेगा और एक त्रिज्या खंड ओ पी क्यू बनेगा। तो ये बड़ा हुआ मैंने बड़ा त्रिज्या खंड हुआ, तो इस त्रिज्या खंड में से ये त्रिज्या खंड घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और आगे दो संकेंद्रीय वृत्त हैं और इन वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या दिया हुआ है कितना, एक आर बराबर 7 सेंटीमीटर और एक आर मैंने आर वन बराबर 7, आर टू बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और फिगर बनाते हैं, इसका फिगर कैसे बन रहा है ये है। और ये संकेंद्रीय वृत्त हैं, तो यहाँ से मान लीजिए एक की त्रिज्या ये है, ठीक है। ये बड़े वाले वृत्त हो गया और एक जो है त्रिज्या खंड इसी त्रिज्या खंड में से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फिगर बना है, तो एक 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 की त्रिज्या कहाँ है, यहाँ तक है यानी कि 7 सेंटीमीटर, और एक की त्रिज्या कहाँ तक है, यहाँ तक है, यह है 4 सेंटीमीटर, यह है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर यह है, ठीक है। तो देखिए, इस त्रिज्या खंड भाई यह एक त्रिज्या खंड हुआ ओ ए बी, और इसको नाम दे दीजिए पी और इसको दे दीजिए क्यू, ठीक है। तो एक त्रिज्या खंड क्या बन रहा है, ओ ए बी, ओ ए बी बन रहा है, और एक त्रिज्या खंड ओ क्यू पी बन रहा है ना। तो इस त्रिज्या खंड में से इस त्रिज्या खंड को घटा दिया जाता है, इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड ओ ए बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड ओ ओ क्यू पी का क्षेत्रफल, ओ क्यू पी का क्षेत्रफल, ओ क्यू पी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होगा, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर वन पाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर टू का स्क्वायर होगा। अब आर वन आर टू हमने जो है यहाँ दिया है, वहाँ से जो है मान रख देंगे आर वन आर टू का, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब जो है इसमें से जो कामन निकल रहा है पहले कामन निकाल लेते हैं, चाहे चलिए मान रख देते हैं आर वन का और आर टू का, फिर कामन निकालेंगे। तो थीटा बटा
300 यहाँ मान रख देंगे, तो थीटा का भी मान रख देंगे क्या 60 डिग्री, ठीक है, बटे 360। आर का मान कितना है तो 7 है, आर का मान, आर वन का मान, तो यहाँ 7 स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ थीटा का मान तो 60 है रहेगा, यहाँ पे 60 डिग्री है ना थीटा का मान, देखिए ना, तो 60 डिग्री यहाँ भी रख देंगे, और आर टू का मान जो है मार देंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है देखिए 360 पाई इसमें भी है और 360 पाई इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे 360 पाई, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 7 स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ जो है 60 × 360 यानी कि 60 × 360 और यहाँ जो है 1/6 × π इसमें 7 × 49 माइनस 4 × 16 होगा, तो ये हो जाएगा क्या 1/6 × 22/7 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 9 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 3, 4 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 3 होगा, और ये हो जाएगा 1/6 × 22/7 × 33 होगा। अब 3 से काट दीजिए, 3 × 2 = 6 और 3 = 33, ठीक है, और 11 का इसमें भाग गुणा करेंगे 11 का 22 में, तो 11 × 22 11 × 22 22 × 2 = 24 242 242 भागे कितना हो जाएगा 242 भागे 7 × 2 = 14 तो यहाँ 4 हो जाएगा। दूसरे भी कट सकता है तो 2 से काट लीजिए, 2 × 2 = 2 2 × 4 = 2 और 2 × 14 यानी कि 121 में 7 से भाग दे दीजिए, तो 121 में 7 से भाग देंगे तो ये आएगा लगभग में 17.28 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 17.28 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे क्या 17.28 सेंटीमीटर छियांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, 17.28 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है छियांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अतः यहाँ स्पष्ट कर देंगे आंसर में, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 17.28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हमेशा जो है वर्ग में लिखते हैं, ठीक है ना, तो मात्रक जो है वर्ग में लिखना मत भूलिएगा तेजखंड का, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि सवाल आप लोग को समझ में आया होगा, सवाल अच्छे से समझ में आता है तो कमेंट कीजिए और इसको जो है शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे।